बात सुने, वो चंपा अभी तक सो रही है? मुझे नाश्ता भी करना है, तैयार भी होना है, और कामी वो किधर है? तू एक कोई साच शुरू हो जाती है, और छुरी थले साह भी ले लिया कर। रात 2 बजे तक तो तेरी सिकाई चलती रही है, उसके बाद कहीं जाकर उन्होंने खाना खाया होगा। पहले तो आप मुझे बड़ा सिखाते थे कि उसको एक लफ्ज नहीं बोलने देना, काबू में रखना। अब क्या हो गया, आप कौन सी जबान बोल रहे हैं आप? और इस घर में उसकी आज पहली रात थी, इतना ना दबा के उसका दम निकल जाए। मैं कह रही हूँ आपसे, इस चंपा को ना काबू करके रखें, थोड़ी सी भी हमने ढील छोड़ दी ना तो हमारे कामी को लेके उड़ जाएगी, हम ना अपने बेटे से दूर हो जाएंगे। मैं बता रही हूँ, बहुत कम वक्त है ये। और तू तो खाम खा जान अलकान करती रहती है, और तेल वेख तो तेल की धार वेख। और सुल्ताना की अकलौती औलाद है, नाद नखरे में पली होगी, और इस तरह सारे अचानक मुखालिफ हो गए कि बगावत भी कर सकती है, इस घर से भाग भी सकती है। यहाँ से बगैर पूछे वो जाके तो दिखाए, अभी मुझे जानती नहीं है, मैं मार मार के ना उसकी हड्डियों का सुरमा बना दूंगी। तू उसकी हड्डियों का सुरमा बना ते बेटा भी हाथ से गया, और ये बर्दाश्त कर लेगी? तनी क्या जादू कर दिया इस मनहूस ने, कामी को तो उसके अलावा कुछ नजर ही नहीं आता। और ये बड़ा नाजुक मोड है, ओए होश से काम ले, जज्बात से नहीं, ताकि बहू भी काबू में रहे और बेटा भी हाथ से न जाए। मुझे चंपा की जबान ना बहुत लंबी नजर आ रही है, अगर मैंने उसे अभी कंट्रोल ना किया ना तो आगे जाके वो मेरे ही सर पर चढ़कर नाचेगी। और कभी ठंडा कभी गर्म मामला बना के रख, और मेरी पॉलिसी पे चल ते नैया पार लगा। आपके ये नैया पार लगाने के चक्कर में ना मेरी जिंदगी कहीं अपने पार ना लग जाए। चले अब बुलाए अपनी लाडली को, मुझे नाश्ता करना है। आ जाती है, आ जाती है। आज सुबह ही सुबह कहाँ बिजलियाँ गिराने जा रही है? तू मेरा पीछा करने से बाज नहीं आएगा ना? 2 घड़ी मुझसे भी बात कर लिया करना, ईमान से तुझे देख लेता हूँ ना, सारा दिन सुकून से गुजरता है। रस्सी जल गई, बल नहीं गया। हाँ चबेली मेरी जान, पुरानी बातों को भूल जाना। ईमान से मान जा, चला तुझे गोलगप्पे खिलाता हूँ। तेरी जो लाडली बैठी है ना घर पे, उसे जाके खिला तो गोल गप्पे। जो बोला है वैसे ही होना चाहिए। चल मेरी जरूरी कॉल है, तुझा हाँ बोल। हाँ वो तुम मेरे घर आ जाओ, मैंने पैसों का इंतजाम कर लिया है। ना मैं घर नहीं आऊंगा तुम्हारे, तुझे मेरी बताए हुए एड्रेस पे आना पड़ेगा। अच्छा ठीक है, बताओ। और हाँ, जरा भी चलाकी करने की कोशिश की ना तो अपनी जान से जाओगे। मेरे लोग तुम पर नजर रखे हुए हैं, पल पल की खबर ले रहा हूं मैं तुम्हारी। तुम बेफिक्र रहो, मुझे कुछ ऐसा करना होता तो मैं पहले कुछ नहीं कर लेता। वो तो मैं पैसों का इंतजाम कर रहा था, इसलिए लेट हो गया। अब पैसों का इंतजाम हो गया है तो इसलिए बुलवा रहा हूँ। अकेले आना, कोई साथ नहीं होना चाहिए तुम्हारे। कोई नहीं है, मैं अकेला आऊंगा। और वो तुम्हारी मोहब्बत, तुम उसके बारे में कोई बात नहीं करोगे। इस बात को दफन करने का मौका दे रहा हूँ। जिस तरह तुम अपने मुफादात को नहीं भूलते, इसी तरह मुझे भी इस बात का यकीन दिलाओ कि पैसा लेने के बाद तुम सारे सबूत मिटा दोगे। हाँ ठीक है, ईमानदारी के धंधे में बेईमानी नहीं चलती।
अगर जरा भी बेईमानी हो तो लाना तो ऐसे काम पे। अपनी रोजी हराम नहीं करता मैं, इत्मीनान रखो। ठीक है, तो फिर 3 बजे। एक मिनट, नोट बड़े रखना, चिल्लर की आदत नहीं है मुझे। नोट तो बड़े रख लूंगा, मगर अफसोस के कफन में जेब नहीं होती। ये कहां मर गई है, इतनी देर से आवाजें दे रही हूं, बहरी हो गई है ये। वो मुझे तो लगता है इसके भी दिमाग में बड़ी नवाबी आ गई है। अरे अकरम ने मुस्कुराकर क्या देख लिया, खुद को घर की मालकन समझने लगी। मैंने तो गरीब बाप की बेटी समझकर तरस खाकर रख लिया था, लेकिन लगता है चलता करना पड़ेगा इसे। जी आपने मुझे बुलाया? कहां थी तू, इतनी देर से आवाजें लगा रही हूं तुझे मैं। हे, और ये क्या भाई, इतना बन ठन कर किसको दिखाना है? मेकअप तो मेरा बचपन का शौक है। क्यों, अच्छी नहीं लग रही क्या? बड़ा दिमाग खराब हो गया तेरा तो है। तुझे मैंने गरीब बाप की बेटी समझकर तरस खाकर रखा था अपने पास, मगर तू तो कोई ऊंची चीज निकली है भाई। क्यों, आई शेडो और लिपस्टिक सिर्फ अमीर की लड़की लगा सकती है, गरीब की लड़की नहीं लगा सकती क्या? हाय हाय, क्या कचर कचर कैंची की तरह जबान चल रही है तेरी। अरे कोई ख्वाब तो नहीं दिखा दिया तुझे अकरम ने, जब ही तेरा दिमाग इतनी ऊंची हवाओं में उड़ रहा है। अरे वो मिस्कीन तो बेचारा आपके पीछे भीगी बिल्ली बन के फिरता रहता है, मुझे क्या ख्वाब दिखाएगा? और मेरा नाम फायजा है, अकरम ने। अच्छा, निकल निकल मेरे घर से, चल। एक सेकंड भी तुझे अपने घर में बर्दाश्त नहीं करूंगी, निकल मेरे घर से। जा रही हूँ, तुम्हें क्या लगता है कि इतना बन सवर के तुम्हारे घर के काम करूंगी? ख्याल है तुम्हारा। नमक हराम, निकल यहाँ से। वाह फायजा वाह, ये हुई ना बात। अरे तूने जो कुछ उसके साथ किया है ना, वो सुन के तो मेरे कलेजे में ठंड पड़ गई है। अरे कोई तो उस मक्कार औरत के मुंह लगा। ताई मैंने ये सब कर तो दिया, लेकिन मेरे अंदर एक खौफ खाया जा रहा है कि वो कहीं मेरे खिलाफ कुछ उल्टा सीधा ना कर। अरे हटो, तुमने पहाड़ से टक्कर ली है तो क्या हुआ, तुम किसी से कम हो क्या है? अरे जब वो तुम्हारे सामने कुछ नहीं कह सकी तो मेरा मुकाबला क्या करेगी? तो मेरे घर में हो और यहाँ कदम रखने के लिए ना उसे फौलाद का जिगर चाहिए। वो अच्छी तरह जानती है कि मैं जो हूँ ना बारूद का ढेर हूँ ढेर, जरा सी चिंगारी फेंकेगी तो मैं आग का तूफान बन जाऊंगी। ताई वो सब तो ठीक है, लेकिन फिर भी आपने और मुझ में जमीन आसमान का फर्क है। क्या हो गया है फायजा तुझे, तू उससे ज्यादा ताकतवर है और वो तो गिरती हुई दीवार है। गिरती हुई दीवार को एक धक्का और। भाई वो कहीं सुल्ताना अकरम को मेरे पीछे तो नहीं लगा देगी ना? अरे नहीं लगता अकरम तेरे पीछे, तू क्यों बावली हो गई है? वो बहुत डरपोक है, सुल्ताना से बहुत डरता है, दम निकलता है उसका। अगर सुल्ताना की ताबेदारी में कोई वादा कर भी लेगा ना तो करेगा वही जो उसके दिल में। अरे उसके दिल में तो पहले दिन से घोर था, उससे बात करने का शौक था उसे, लेकिन सुल्ताना के खौफ से नजरें चुरा चुरा के देखता था मुझे। चंपा, नी चंपा, तू किथे रह गई? जी अम्मा। मैं सवेर से तुझे और कामी को आवाजें दे रही हूँ, लेकिन ना तू आ रही है ना कामी आ रहा है। वो आंखें नहीं खुली थी। ये सारी रात जागने और सारा दिन सोने का ना रवाज तेरे कार में होगा, इस कार में ये सारी बातें नहीं चलनी। यहाँ 5 बजे उठना पड़ता है और 7 बजे मेरे बिस्तरे के आगे नाश्ता भी लगाना पड़ता है। जी ठीक है। मेरे बेटे को फंसा के उसके साथ सेटिंगे करके तू शादी तो करके आ गई इस घर में, लेकिन यहाँ के रीति रिवाज ना सीख ले अब। ये सब कुछ इधर नहीं चलने लगा, तू ख्वाब देख रही ना अपनी मनमानी करने के, वो मैं होने नहीं दूंगी। आप गलत समझ रही हैं, मुझे कामी ने कहा है कि आपकी खिदमत करके आपका दिल जीतना है। हाँ हाँ, तू तो दिन रात जैसे मुझे ही करवटे बदलवाने बैठी है ना यहाँ पे। 5 दिन गुजर गए मैंने कपड़े नहीं बदले, लेकिन मजा ले तुझे होश आई हो, शर्म कर ले थोड़ी सी। कपड़े क्यों नहीं बदले मामा?
चलो खुद ही बोल रही हो भाई, एक आदमी अगर इतना डरपोक हो तो उससे कैसा खौफ। ताई मुझे ये डर है कि कहीं सुल्ताना अब्बा के खिलाफ कुछ ना कर दे, वो असल में अब्बा को नहीं पता ना कि मैं यहाँ आ गई हूँ। अरे तेरा अब्बा मेरा सगा भाई है, उसे मैं अच्छी तरह जानती हूँ, वो इस डाइन के झांसों में आने वाला नहीं है, और वैसे भी इतने दिनों से गायब है। अरे उसे अपने फ्राडों से फुर्सत है नहीं, वो इन झमेलों में काहे को पड़ेगा। हाँ ये तो है, असल में ना अभी सुल्ताना खाला को नहीं पता कि मैं आपके घर आ गई। बताओ उसे, अरे पता चले तो अच्छा है ना, उसके सीने पे मूंग दलूंगी मैं। हाँ अच्छा ताई, मैं जरा चंबेली से मिल लूं, उससे तो पता ही नहीं कि मैं यहाँ आ गई हूँ। हाँ हाँ जा मिल। चंबेली बड़ी तो रमखान बनती थी, देखना किस तरह उसे पूरे मोहल्ले में बदनाम करती। जीना हराम कर रखा है, नहीं रहूंगी मैं अब यहाँ पे। भाड़ में गई मोहब्बत, नौकरानी समझते हैं मुझे। हाँ हर वक्त इनके काम करते रहो, इनके आगे पीछे दौड़ते रहो, जी हुजूरी करो, लेकिन मैं भी अब नहीं बर्दाश्त करूंगी। ये हो गया है की कर रही है तू? नजर नहीं आ रहा, कपड़े पैक कर रही हूँ। क्यों कपड़े पैक कर रही है? कोई कुछ कहा है किसी ने? मुझे किसी ने क्या कहा होगा, मैं तो उस घर में महारानी की जिंदगी गुजारती हूँ ना, मुझे क्या मसला होगा। ओ देख मुझे पता है इस घर में मेरे माँ बाप जो है ना वो तुझसे इज्जत से अखलाक से बात नहीं करते, तुझसे प्यार नहीं करते हैं। तुम सब जानते हो लेकिन कभी कुछ नहीं बोलते। तुम्हें पता है कि तुम्हारे अम्मा बाबा ने आज तक मुझे दिल से कबूल नहीं किया, हमेशा मुझे मुलाजमा समझते हैं और कुछ नहीं समझते, लेकिन फिर भी तुम उनके सामने कुछ नहीं बोलते। और तू क्या समझती है मैं तेरे हक के लिए आवाज नहीं उठाता, कुछ कहता नहीं उनको मैं। अगर तुम कुछ कहते ना तो तुम्हारी अम्मा हर वक्त मुझे बातें ना सुनाती, हर वक्त मुझे बातें सुनाते रहते हैं। तुम्हारे अम्मा बाबा मेरी शक्ल ही पसंद नहीं होने, मैं चली जाती हूँ। देख मेरी बात सुन, देख मुझे छोड़ के अगर जाएगी ना तो मेरा मरा हूँ देखेगी। वो मोहब्बत का धोखा खाया मैंने सारी जिंदगी, कला रह गया हूँ मैं, और अब जो मुझे मोहब्बत का सुख मिला है तो तू कह रही है मैं छोड़ के चली जाऊंगी। ठीक है कहाँ जाना है जा, जिस दिन तू इस घर से बाहर निकलेगी ना उस दिन काम ही दुनिया से चला जाएगा। हुन दस कितने जाना है, मैं छड़ गया ना तेनू आप, और दस कितने जाना है। हमेशा यही इमोशनल ड्रामा करके मुझे रोक लेते हो, अपने माँ बाप के सामने इमोशनल ड्रामा नहीं कर सकते कि प्यार करता था इससे, शादी करके लाए हो इसके घर में, इसकी इज्जत कर लो दो रुपए की। वो तो गलत कर रहे हो ना, गल की करा और ईदी सेंटर जाके जमा करा दिया ना, तू सुन दी है ना वो सुन दे रहे, थोड़ा जहा एडजस्ट कर लो खुदा दा वास्ता है जानू। ये तुम्हारा बाड़ा नहीं है जो दूध में पानी डाल के एडजस्ट कर ले। थोड़ा बहुत तो करना पड़ेगा, मैं जाके गल करना है, ऐस वापस रखो, बातें ही करता रहेगा बस। कितना वक्त हो गया ना कामी की शक्ल देखे हुए, जब से बीवी का हुआ है दिखाई नहीं देता। पहले चंपा थी ना यहाँ पे तो कभी कभार दिखाई देता था, अब तो कभी दिखाई नहीं दिया। पता नहीं कामी की मोहब्बत मेरे दिल से जाती क्यों नहीं, बड़ा अपना दिल संभालने की कोशिश करती, मगर काश कामी भी तुझसे इतनी मोहब्बत करता जितनी तू उससे करती। चंपा ने उस पे जादू जो कर रखा, उसके चुंगल से निकले तो किसी और की मोहब्बत को महसूस करे ना। सही कह रही हूँ, ये सब उसके माँ के तावीजों का असर है, दोनों ने उसको ऐसा जादू किया है कि। तेरी आखिरी बार बात कब हुई थी उससे? मुझे तो खुद भी नहीं याद मेरी आखिरी बार उससे बात कब हुई थी। तो एक काम करेगी मेरे लिए, तू कामी को फोन मिलाना मेरे सामने, बड़ा दिल कर रहा है उसकी आवाज सुनने को। चंबेली बगैर वजह के मैं उससे कैसे फोन करूं? देख तू फोन तो करना, बहाना हम कोई भी ढूंढ लेंगे। अच्छा ठीक है। स्पीकर पे ऐसा। हेलो अस्सलाम वालेकुम कामी भाई, आप कैसे हैं और चंपा कैसी है? बस वो भी ठीक ही है। अच्छा काम करते हैं, मैं एक दोस्त से मिलने के लिए आया हूँ, मैं तुमसे बाद में बात करता हूँ ठीक है? वो है मसले मसाइल, मैं करता हूँ ना बात, फिर लग पता जाएगा तुम्हें भी। ठीक है मैं करता हूँ, अल्लाह हाफिज। ठीक है खुदा हाफिज।
तूने सुना मसले मसाइल चल रहे हैं चंपा के वहां जाते ही, मुझे पता था। अभी तो थोड़ा वक्त हुआ है, तू ठहर जा, कामी को बड़ी जल्दी एहसास हो जाएगा कि चंपा उसके लिए नहुसत लेके आई है। फिर तो उसे मैं ही नजर आऊंगी। अल्लाह करे ऐसा ही हो, तुम्हें तुम्हारी मोहब्बत मिल जाए। आमीन। सुन मामी, अच्छा बात सुन, तूने चंपा के मुकाबले में ना मेरा साथ देना है पूरा पूरा, समझी? ये क्या बात की, मैं क्यों उसका साथ दूंगी? वो कौन सा मेरी सगी है जो उसकी तरफदारी करूंगी मैं? पर सच्ची बताऊं, मुझे बड़ा मजा आया कामी की आवाज सुन के। हेलो, हाँ मैं अभी पहुंचा हूँ। मुझे घबराहट भी हो रही है, बस आज ये सारा मामला खत्म ही हो जाएगा। मैं तुम्हें बताता हूँ इंशाल्लाह। ओके। मेरे पांच आदमी तुम्हारी निगरानी कर रहे हैं, जरा भी चलाकी करने की कोशिश की तो अपनी जान से जाओगे। मैं अगर चालाकी दिखाता तो अकेले ना आता। मुझे चूना लगाना वैसे भी बच्चों का खेल नहीं, जब धंधे पर निकलता हूं तो पूरी फील्डिंग के साथ आता हूं। बोलो तो एक नमूना दिखाऊं। अभी एक सीटी बजाऊंगा और मेरे लोग दीवारें फलांगते हुए यहां पहुंच जाएंगे। वैसे एक फायदा तो हो गया, मुझे अब तुम पर पक्का एतबार है। क्या मतलब? मतलब यह कि मैंने तुम्हें पहचान लिया, तुम फायजा के बाप हो ना। मैंने तुम्हें पहचान लिया, तुम फायजा के बाप हो ना। कौन फायजा? मैं किसी फायजा को नहीं जानता। घबराने की जरूरत नहीं, मैंने सुल्ताना के घर में चंपा के मोबाइल पे सब घर वालों की तस्वीर देखी है, उसमें तुम भी थे। अब मैं तुम पर और तुम मुझ पर ट्रस्ट कर सकते हैं। ये तो बहुत बुरा हो गया, जावेद ने मुझे पहचाना, फायजा के लिए उस घर में रहना मुश्किल हो जाएगा, सुल्ताना तो नहीं टिकने देगी उसे। पैसे पूरे? हाँ पूरे हैं। मेरे जाने के 10 मिनट बाद यहाँ से मेरे आदमी तुम पर नजर रखेंगे 10 मिनट।
अगर अपनी जगह से हिले तो नुकसान के जिम्मेदार भी तुम खुद होगे। आज ये किस्सा ही खत्म कर दूंगा। जिंदगी अजाब करके रखी थी इस शख्स ने। अब मैं सुल्ताना को बताऊंगा कि घर का बेदी ही लंका ढाता है और जितना जल्दी हो सके फायजा को चलता करे। तो इसका मैं हो गया, इसे फोन ही नहीं उठा रहा। अरे तुम कब आए? नीचे से आवाज दिया करो, 10 मरतबा कहा है, इस तरह अचानक आकर सामने डरा देते हो मुझे। तुम्हें पता तो है इस वक्त मैं ही घर पे आता हूँ, फिर किस बात का खटका है? क्यों, मेरे जानने वाले नहीं आते क्या? हजारों लोगों की लाइन लगी रहती तावीज लेने के लिए सारा दिन। तुम्हारी रंगत कुछ उड़ी उड़ी सी है, कोई परेशानी है क्या? अरे मुझे भला क्या परेशानी होगी, मैं तो तुम्हारे लिए परेशान रहती हूँ दिन रात। सुबह सुबह घर से जाते हो और शाम को खाली जेब वापस आते हो, सारे घर का खर्चा चला रही हूँ मैं, कोई तुम्हारी जिम्मेदारी है या नहीं? तुम्हें तो मौका मिलना चाहिए मुझे घसीटने का। अरे आजकल लोग कंजूस हो गए, सदके के नाम पे परिंदे नहीं उड़ाते, तो मैं ही औरतों के पीछे पड़ा रहता हूँ हाथ धो के, तब कहीं जाके वो 2-4 परिंदे उड़वाती हैं। औरतों के पीछे पड़ना तो तुम्हारा पुराना शौक है, मर्दों के भी मुलक जाया करो कभी थोड़ा सा। अरे नेकबख्त, ये जो औरतें होती हैं ना, ये नाकसुल अकल होती हैं, इनका ईमान कच्चा पक्का होता है, इन्हें जज्बाती करके थोड़ा सा डरा दो, ये फौरन पर्स में हाथ डालती हैं। अच्छा अच्छा, अब ज्यादा बोलने की जरूरत नहीं है, बातें मत बनाओ, जाकर अपना हुलिया दुरुस्त करो। मैं सोचूं जरा चंपा की तरफ हुआ है, चक्कर लगा लें, बहुत दिन हो गए ससुराल गई है जब से मेरी उससे बात भी नहीं हुई है। अरे मैं तो कब से कह रहा हूँ तुम चंपा के घर चलो, आखिर उसके ससुराल वालों को भी तो खबर हो कि चंपा के आगे पीछे कोई है, लेकिन तुम्हें फुर्सत ही नहीं मिलती। तुम्हें पता है ना हमने किन हालात में उसकी शादी की थी, कामी को घर दामाद बनाया था हमने, अब अगर इस तरह रोज रोज हम उसके घर पर चक्कर लगाएंगे तो उसकी सास मुंह नहीं बनाएगी। अरे हर किसी में इतनी बर्दाश्त नहीं होती। अरे रहने दो बस, जब बहन बेटियों को रुख्सत करते है ना तो आना जाना तो होता है, तुम फोन करो उसे खबर लो, फिर कल सुबह हम भी चक्कर लगाते हैं उसके घर। अच्छा अच्छा ठीक है, कर लेती हूँ फोन, जाओ जाकर किचन में खाना पड़ा है खा लो। गरम है? कर लेना गरम, ना हो तो। कहाँ मर गया ये? अरे हाँ हाँ आ गई। कौन गए? लो जाओ। बंद करना जल्दी। मामू तुझे पता है ना ताई को पता चल गया, इतना लड़ भड़ के गया था तू। तो मैं कौन सा सारी जिंदगी के लिए रहने आया हूँ, सुबह ही चला जाऊंगा। हाँ तो ताई को पता चल गया तो क्या हो जाएगा, गालियाँ देगी ना, 2-4 सुना लेगी, माँ की तरह बहने मेरी खैर है। वो तो ठीक है मगर बोल रहा हूँ ना संभाल लूंगा मैं। और बात सुन, इस टाइम ना आपस हो रही होगी, स्टोर वाला कमरा खोल दे, चुप करके जाके सो जाता हूँ। और सुन
अगर आधे दिन तक सोया भी रहा ना तो उसे खबर नहीं होगी। हाँ वो तो ठीक है, लेकिन तुझे ऐसी कौन सी जरूरत पेश आ गई जो तू तो आधी रात को हमारे घर आ गया, वरना तू तो बड़ी कसम खा के निकला था कि मैं तो नहीं आऊंगा यहाँ पे वापस। बोल। अरे मालिक मकान से थोड़ा सा मसला हो गया, इतना बड़ा मसला भी नहीं है, सुबह हल हो जाएगा। अब क्या सारी बातें यहीं पूछेगी? अच्छा चल उठ गई ना तो जान को अजाब खड़ा कर देगी अभी। चल चल। अच्छा बात सुन मामू, अब ना तू यहाँ चुपचाप सो जा, शोर किया ना तो बाहर ताई उड़ जाएगी। हाँ ठीक है। अच्छा बात सुन, देख कुछ खाने के लिए पड़ा है, दिन भर से भूखा हूँ। मालिम का ने इतनी टेंशन दे दी थी, कुछ होश ही नहीं रहा मुझे। इस वक्त पकाने बैठी ना तो ताई मुझे पका देगी। अच्छा रुक, मैं देख के आती हूँ कुछ। पैसे बैग में? तुझे कैसे पता इसमें पैसे हैं? मुझे नजर आ रहे हैं, बैग में थे। जिसकी मर्जी कसम ले ले, बोल रहा हूँ ना मेरे नहीं अमानत है किसी की। जान दे मामू, मुझे साफ पता है कि तूने कोई लंबा हाथ मारा है, वरना आज तक तो तेरी जेब में मैंने 500 का नोट नहीं देखा। अरे बोल रहा हूँ ना, मुझसे जिसकी मर्जी कसम ले ले, मेरे नहीं है। पैसे कहाँ किसी के उठते हैं, वो तो जेब में आते ही जाने के लिए। ये चीजें नजर आ रही हैं तुझे? मामू भूखा नजर नहीं आ रहा, खाने के लिए बोला है, तू जासूसी में लग गई मेरी। मैं तो बस ये पूछने आई थी कि फ्रिज में पुलाव भी रखा है और रोटी भी, क्या खाएगा? रात के 12 बज रहे हैं, जहर भी देगी ना, खा लूंगा। अरे अल्लाह ना करे कोई मेरे मामू को जहर दे, ऐसा मामू तो नसीब वालों को मिलता है। बस कर दे, मस्के नहीं लगा, जानता हूँ तुझे मैं। अभी जब मैं आया था ना, जहर ही लग रहा तुझे। अभी प्यार जगा है, पैसे पता लग गए तो। अच्छा सुन, तेरे आने का मैं फायजा को भी ना बताऊँ क्या? उसकी खैर है, उसे बता दे, बेटी है मेरी, सुबह ले आऊंगा उसको। लाने की जरूरत नहीं है, वो वैसे ही कल से आ चुकी है हमारे घर, हमेशा हमेशा के लिए। चल तू बैठ, मैं रोटी लेके आती हूँ। ये कौन सो रहा है? अरे मैं हूं ताई, क्या हो गया? तुम यहाँ कैसे आए? अरे ताई बहुत मजबूरी में रात को आया था, तो गुस्सा नहीं होना, पहले बता रहा हूँ। चंबेली को मैंने खुद मना किया था कि नहीं बताया, जानता हूँ ना तुम्हारी नींद खराब हो जाए ना तो फिर पूरी रात जागती रहती। अच्छा है। ये चापलूसी की बातें छोड़, ये बता कि तू मेरे इजाजत के बगैर मेरे घर में घुसा कैसे, कैसे आया तू? क्या हो गया ताई, बोल तो रहा हूँ मजबूरी में आया था। डाकू पीछे पड़ गए थे, कुछ पैसे आने थे मेरे शाम में, वो लेके आ रहा था कमबख्त, और मैंने भी ना तीन जगहों पे रखे थे, दोनों जेबों से तो ले गए, बचा लिए कुछ। रख लो, ये रख लो ना। शुक्र है ये बच गए, मेरा हाथ वैसे ही बहुत तंग था। अच्छा बैठो तो सही, कुछ बात करनी है। बैठने बैठने का टाइम नहीं है। अच्छा चलो अब तुम यहाँ से फुट्टा खाओ, तुम्हारे पीछे कोई आ गया तो? क्या हो गया, कुछ तो बंदा दीद लिहाज करता है, जान पे खेल के तुम्हारे लिए पैसे बचाए मैंने। अच्छा बड़ा एहसान किया था तूने, चल अब यहाँ से चलता फिरता नजर आ। अच्छा कोई यहाँ आ गया तो? अरे कोई नहीं आएगा यहाँ। अरे रहने दो, जहाँ शहद होता है ना मक्खियाँ खुद ब खुद आ जाती हैं। चलो अब बाकी राम कहानी बाद में सुनाना, अभी जाओ यहाँ से, मुसीबत ना खड़ी करना हमारे लिए। चलो। कसम से जरा भी दीद लिहाज नहीं है, जा रहा हूँ, दो तीन घंटे का काम है वो खत्म करके आता हूँ। देखो रात के अंधेरे में आना, अच्छा दिन के उजाले में आने की जरूरत नहीं है। चलो। अच्छा चाय तो पिला दो। अरे चल चल, कोई चाय वाय नहीं है, टाइम ना खराब कर चाय में, चल निकल जल्दी, अब जा भी चुक। अरे जा रहा हूँ ना। या अल्लाह तेरा शुक्र है, बहुत दिनों के बाद नोटों की शक्ल देखी। चंपा। ओ चंपा। जी अम्मा। एक तो सारा दिन तुझसे कोई काम नहीं होते, जब देखो अय्याशियों में लगी रहती है, अब उसके बाद अगर कोई काम बता भी दो तो तू उसी में उलझी रह जाती है। अम्मा डस्टिंग कर रही थी मैं। मुझे अच्छी तरह पता है तेरे सारे ड्रामे के, तू कितनी सफाइयां कर रही थी। चल अब चल मेरे कमरे में और कपड़े इस्त्री करके दे मुझे। जी।
जीती रहे। वैसे ताई रात को जब मामू आया था ना तो उसकी हवाइयां उड़ी हुई थी। मुझे लगता है कि वो सही कह रहा था कि उसके पीछे कुछ चोर डाकू पड़ गए थे, वरना उसे हमारी याद क्यों आती। अरे तू तो पागल हो गई है, चोरों के पीछे चोर नहीं पड़ते। अच्छा पता नहीं कौन से गुल खिला के आया है हमारे घर। ये जलते तवे पे भी बैठ जाए ना, इसकी बात का यकीन ना करना। पता है मुझे ताई कि मामू कैसे मामू बना के जाता है, अब बड़ी अच्छी तरह जान गई हूँ मैं इसे। खाली हाथ आया था ना, या फिर कोई मुसीबत हमारे गले में डालने आया? हाथ तो खाली थे लेकिन जेबें भरी हुई थी नोटों से। अरे ये छोटी सी गड्डी मुझे भी दी है, माल तो बड़ा लाया था, कहीं अंदर कमरे में ना छुपा दिया। अरे मैं जाके देखूं, कहीं फिर लेने के देने ना पड़ जाए। भाई इस आदमी का कोई भरोसा थोड़ी है, पता चला मैं और तू भी जेल में बैठे हैं। ताई हा? मैं बता दी उसने इधर उधर कुछ नहीं छुपाया होगा, अलमारियां देखनी पड़ेंगी। तू ये देख, बात सुन, इधर इस अलमारी की जो दूसरी चाबी मेरे पास पड़ी हुई है, जा ले क्या। तुम इधर उधर देखो ताई तब तक। अरे इधर उधर क्या देखूं, इतना चला के यहाँ थोड़ी रख के गया होगा। भाई कोई चोर ताला लगा के गया है क्या, कमरा खुल ही नहीं रहा। यही बैठा उसके हाथ में रात को, चादर में छुपाया था। पकड़। बटवा। इतने सारे पैसे। अरे अल्लाह। पकड़ पकड़ पकड़। चल 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 चाबी ले ले, चाबी ले ले। चंपा, नी चंपा, चा बन रही के पावे बना रही है तू? एक तो इसको कोई भी काम मैं बता दूं ना 10 घंटे लगाती है, एक चा का बोला था अभी तक नहीं आई है। आ गई अम्मा आ गई। ये तू मुझे मारना चाह रही है, इतना नमक डाल दिया तूने इसमें। काम पे ध्यान नहीं होता इसका, और कभी खाने में पत्थर निकलते हैं, कभी बाल निकलते हैं, अब चाय में नमक। मैं तो कहती हूँ कि बाड़े में अगर कोई खूंटा खाली है ना तो इस बावली बैल को वहीं से बांध दे, काम तो इससे होने नहीं कोई। और ये होता है अपनी मनमानियों का नतीजा। मैं तुलसी बना देती हूँ। पहले नहीं ध्यान देना इसने। जान के करती है, मैं बता रही हूँ ताकि मुझे अगली बारी ना कहे कि कुछ बना के लाओ। फोन क्यों नहीं उठा रहे? मेरी तो समझ में नहीं आ रहा ये माजरा क्या है। अरे एक दफा फिर आया था ही। नहीं उठाना। एक काम करते हैं ना, हम उठा के सिर्फ सुनेंगे भूलेंगे नहीं। हाँ एक मिनट भाई चुप रहते हैं, बोल सिर्फ सुनते हैं क्या कह रहा है। जावेद कहाँ हो तुम? कल से तुम्हें फोन कर रही हूँ। फोन क्यों नहीं उठा रहे हो, ठीक तो हो? फोन हो ना हो ये सुल्ताना ही है। ये जावेद कौन है और सुल्ताना इससे बात करने के लिए इतनी परेशान क्यों है? अरे ये इस नाम का कोई आदमी उसके घर में आता जाता है, कुछ पता है? नहीं दाई, ये नाम तो मैंने भी पहले कभी नहीं सुना। एक काम करते हैं, फायजा को बुलाते हैं, वो जरूर जानती होगी, दिन रात चंपा के घर पे रहती थी, कौन आता है कौन जाता है सबकी खबर होगी उससे। अरे नहीं नहीं बेवकूफ लड़की, बात तो कोई खास है, ये ना हो कि हम अपना राज फायजा के हाथ में दे दें। तू जानती है ना कैसे शातिर बाप की बेटी है। हाँ वो तो है, लेकिन अब हमें सही खबर फायजा ही दे सकती है। लेकिन आगे तेरी मर्जियाँ, बाद में मुझे ना कहीं के मरवा दिया। सुल्ताना कुछ भी सही लेकिन किरदार की खराब नहीं। ये जावेद हो सकता है कि वो तावीज गंडे वाले जो रंग बिरंगे लोग आते हैं वो तो आते ही हैं उसके घर,
हो सकता है ताई, लेकिन सुल्ताना की आवाज में जो घबराहट थी ना, वो बता रही है कि मामला जरूर गड़बड़ है। अच्छा तो फिर एक काम कर, फायजा को बुला, लेकिन उसको ये ना बताना कि ये तस्वीर और ये प्राइस बॉन्ड हमें कहाँ से मिलेगी। एक काम करते हैं, हम फायजा के सामने चुपचाप जावेद की फोटो रख देंगे, अगर तो वो जानती होगी तो फट से नाम ले लेगी। हाँ ये बिल्कुल ठीक है, बुला उसको, है ना। तुम तस्वीर निकालो, मैं आवाज देती हूँ। फायजा आई? जिताई फायजा भाई, ये देखो पता नहीं किसकी तस्वीर गिरी हुई मिली है घर में। अरे ये तो जावेद अंकल है, इनकी तस्वीर यहाँ पे क्या कर रही है? मामू के पास बिस्तर पे मिली मुझे। अच्छा इस पे तो हम बाद में बात कर लेंगे, मेरी बहन है ना, एक कप चाय बना दे। अच्छा अभी बना देती हूँ, आप भी पियेंगी? हाँ बना देगी तो पी ले, मैं अभी लाई हूँ। जा लिया। रह गई।